यरोमन अन्यंग अश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, इंडिया में के ड्रामास की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कोरिया के मोस्ट पॉपुलर के ड्रामा का रीमेक बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रही हूँ। इंडिया में एक कोरियन ड्रामा का न सिर्फ रीमेक बना दिया गया है बल्कि उसे काफी पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इस के ड्रामा के बारे में डिटेल में बताऊं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप के ड्रामास देखते होंगे तो आपको पता होगा कि 2020 का मोस्ट पॉपुलर ड्रामा फ्लावर ऑफ इविल था, जिसे इंटरनेशनली इतना पसंद किया गया कि 2020 के सभी के ड्रामास को पीछे छोड़ते हुए इसे नंबर वन की पोजीशन दी गई। और इसी वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंडिया ने इसके कॉपीराइट्स खरीद लिए, यानी इंडिया ने इस ड्रामा का हिंदी रीमेक बनाने की परमिशन ले ली, जिसे लास्ट ईयर 2022 में रिलीज किया गया। और रिलीज के साथ ही इसे न सिर्फ पसंद किया गया बल्कि फैंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया के दिमाग में ऐसी स्टोरी कहां से आ गई। हालांकि फ्लावर ऑफ इविल नाम की इस वेब सीरीज को इंडियन नेम दोरंगा दिया गया और इस 9 एपिसोड की वेब सीरीज को Z5 पर रिलीज किया गया। तो अगर आप इस दौरान जहां आपको ये फ्री में देखने को मिल जाएगी, वहीं अगर दोस्तों आप इन दोनों ही वेब सीरीज में से किसी एक वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको ओरिजिनल कंटेंट देखना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। हालांकि Z5 पर दोरंगा देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। वैसे दोस्तों, आपका ये जानना भी जरूरी है कि इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए न सिर्फ इंडियन रीमेक बनाया गया बल्कि फिलीपींस रीमेक भी बनाया गया है और फ्लावर ऑफ इविल का फर्स्ट ऑफिशियल रीमेक इंडिया में ही बनाया गया है। इन शॉर्ट, इससे पहले कभी भी किसी कोरियन ड्रामा के ऑफिशियल राइट्स लेकर हिंदी रीमेक नहीं बनाया गया है। यही रीजन है कि ली जुंगकी को फ्लावर ऑफ इविल के इंडियन रीमेक के बारे में पता चला तो उन्होंने इंडियन फैंस को एक हैप्पी मैसेज भी सेंड किया, जिसे देखकर फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो दोस्तों, इन ड्रामास को देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा ड्रामा पसंद आया। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगी।